एक छोटा केंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। मैं रहता हूँ दोस्तों के संग, उन्हीं से है मेरी लाइफ में रंग। हेलो लोका डेम, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ केंट, आ जाओ। आज हम एक बहुत ही बढ़िया गेम खेल रहे हैं और मैं एक वॉरियर बना हूँ, देखो मुझे। हाँ, इस स्लाइड से खेलने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों ने ये मास्क क्यों पहन रखा है? तुम्हें नहीं पता केंट कि चाइना में क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। जानते हो, कोरोना वायरस पूरे चाइना में फैल गया है। चाइना में कहाँ पर? चाइना में एक खूबसूरत शहर है वुहान, जो येलो क्रेन टावर के लिए जाना जाता है। वहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या कोरोना वायरस? वो कैसे फैला? ये एक इंसान से दूसरे को होता है, अगर वो बहुत पास रहते हैं तो। इसीलिए हमने सावधानी के तौर पर ये मास्क पहन रखा है। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हें बुखार, खांसी या छींक आए तो तुम्हें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किंट को तो अब डर लग रहा है। डरने की बात तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जहाँ परेशानी है उसका हल भी साथ में है। बस संभल कर रहो और कोरोना वायरस को फैलने से रोको। तो किंट बताओ, हम खाने से पहले क्या करते हैं? हम अपने हाथ धोते हैं। सही कहा, लगातार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से हम इन्फेक्शन फैलने के खतरे को कम कर सकते हैं। और हाँ, खुद को और अपने आसपास सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। पर मैं तो हमेशा अपना कमरा साफ रखता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी आदत है केंट, बहुत अच्छे। और जो खाना हम खाते हैं? अरे हाँ, उन्हें अच्छे से पानी से धोकर खाओ, और हरी सब्जियाँ और फल खाना बहुत जरूरी है। केंट अब सारी बातें समझ गया। हम मिलकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और अपनी खूबसूरत दुनिया को बचा सकते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, मैं कैंडी एलिफेंट और मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एक ड्राइंग है जो अधूरी है, इसमें रंग भरना है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज की ड्राइंग में है एक फन आकार के नाम सीखेंगे हम, जैसे स्क्वायर यानी चौकोर। शायद पेगो के पास कलर्स होंगे। सुनो पेगो, क्या मुझे वो स्क्वायर यानी चौकोर मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो केंट। थैंक्स पेगो। अरे ये तो फिट हो गया, ये परफेक्ट है। आज तो प्रिंटिंग में बहुत मजा आ रहा है। ये है रेक्टेंगल्स यानी कि समकोण। हे टीम, क्या मुझे इनमें से एक रेक्टेंगल मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं केंट, ये लो। थैंक यू। वाओ, अब तो ये भी सेट हो गया। आज तो मैं पतंग उड़ाऊंगा। सारा काम हो गया, बस इन सर्कल्स यानी गोलों को इसमें लगाना है। हे लोग, क्या मुझे इनमें से कुछ सर्कल्स यानी गोले दे सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल केंट, ये लो। थैंक यू। बाय बाय। वाह, क्या बात है। अब मुझे इसमें से ट्रायंगल काटना है यानी कि त्रिकोण। अब इसमें लग गया एक ग्रीन ट्रायंगल। बढ़िया, तो हमने आज लगाया है सर्कल यानी गोला, रेक्टेंगल यानी समकोण, ट्रायंगल यानी त्रिकोण, स्क्वायर यानी चौकोर। भूलना मत, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय। ला 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 ला। ओ, हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मैं खड़ा हूँ अपने गार्डन यानी बगीचे में। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। फूल है हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड, हम इनके नाम सीखेंगे टिल द एंड। मुझे गार्डन में रहना बहुत पसंद है, तो चलो शुरू करें। देखो देखो, यहाँ मेरे पास क्या है, ये फ्लावर्स यानी फूलों से भरी एक बास्केट है। दोस्तों, इसमें जो फूल है उनके नाम जानते हो? गेस करो गेस करो, क्या हो सकते हैं? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तो क्या तुम लोगों को ये बड़े से सन यानी सूरज जैसा नहीं लग रहा? बोलो बोलो। तो ये कौन सा फूल हो सकता है? क्या ये ट्यूलिप है? नहीं। रोज है? नहीं। सनफ्लावर? हाँ, ये तो सनफ्लावर है यानी सूरजमुखी। मुझे ये बहुत पसंद है। अब बताओ ये वाला फूल कौन सा है? ये तो लाल रंग का है। क्या ये लोटस है? नहीं। लिली है? नहीं, ये भी
क्या ये ट्यूलिप है? नहीं, तो ये क्या है? हाँ, ये रोज है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब देखते हैं अगला वाला कौन सा है। सुंदर सा फूल है ना, पर है कौन सा? क्या ये डेजी है? नहीं। तो क्या ये लोटस है? नहीं। रोज? नहीं, वो तो हमने ढूंढ लिया। ये लिली है। अब बताओ ये कौन सा फूल है? चलो चलो गेस करो। क्या ये डेजी है? नहीं। क्या ये सनफ्लावर है? नहीं, वो तो ढूंढ लिया। रोज भी नहीं है, वो भी ढूंढ लिया। ये है लोटस, हाँ, यानी कि कमल का फूल। अब मेरी टोकरी में और कितने फूल बचे हैं दोस्तों? देखते हैं कितने बचे हैं। अच्छा बताओ ये वाला फूल कौन सा है? बताओ बताओ, मैं तो जानता हूँ। तो क्या ये डेजी है? नहीं। क्या ये लिली है? ये है ऑर्किड। अरे हाँ, ये तो ऑर्किड है। कितना सुंदर है ना? और ये केंट का फेवरेट फ्लावर है। टिनिंग टिनिंग टिनिंग। अब बताओ ये वाला फूल कौन सा है? बताओ बताओ, सनफ्लावर तो नहीं लगता, लोटस भी नहीं है, लिली? ना, मैं जानता हूँ, ये है डेजी। दोस्तों आज हम सब ने फूलों के नाम सीखे, बहुत मजा आया। अगली बार कुछ और सीखेंगे। हमें सीखने में कितना मजा आता है ना? अगली बार कुछ और सीखने के लिए मैं फिर से मिलूंगा। बाय, तब तक अपना ध्यान रखना। केंट को सुबह सुबह बहुत निन्नू आती है, उससे स्कूल जाने के लिए उठा नहीं जाता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना गाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज है मंडे का दिन, जिसे बैग सेट करके करते हैं बिगिन। ओह, ये रहा मेरा स्कूल बैग। अरे, सारा सामान कहाँ चला गया? ये तो खाली है। जल्दी जल्दी इसे सेट कर लेता हूँ, वरना मेरी स्कूल बस मिस हो जाएगी। दोस्तों, क्या मेरी मदद करोगे इसे सेट करने में? मेरी पेंसिल कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं दिखाई दे रही है? दिख रही है क्या? बोलो बोलो। हाँ, वो रही, मिल गई। अब क्या है? अब ढूंढना है मेरा लंच बॉक्स। मेरा लंच बॉक्स कहाँ हो सकता है? क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ, वो रहा, मेरा प्यारा लंच बॉक्स। अगली चीज है क्रेयॉन। मुझे क्रेयॉन से कलर करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको मेरे क्रेयॉन्स कहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ, वो रहे बेड पर, ये भी डाल दिया। अगली चीज है मेरी वाटर बॉटल। हमें पानी पीते रहना चाहिए हाइड्रेट रहने के लिए। और कहाँ है मेरी बॉटल? वो रही, मिल गई मेरी वाटर बॉटल। पानी पीते रहना दोस्तों। अब अगली चीज है मेरी बुक्स, यानी किताबें। कहाँ होंगी? ये तो बॉल है, ये भी नहीं। हाँ, वो रही। चलो, इन्हें भी बैग में डाल देता हूँ। अगली चीज क्या है दोस्तों, बताओ बताओ। हाँ, ये मेरी बॉल है। कहाँ होगी ये? नहीं, ये तो टेडी है। हाँ, वो रही, मेरी बॉल। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे अपनी स्कूल बैग की सारी चीजें मिल गई, पेंसिल, लंच बॉक्स, क्रेयॉन्स, वाटर बॉटल, बुक्स और बॉल। ये सारे जाएंगे मेरे बैग में। डाल दिए। अब मुझे टीचर से डांट नहीं पड़ेगी, अब मैं जाता हूँ स्कूल। बाय, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, फिर मिलेंगे। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया कैंडी एलिफेंट, आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। मेरे दोस्त लेते हैं हर चैलेंज, तुम ढूंढ लोगे मिसिंग लेटर्स माय फ्रेंड। तो चलो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है हैट, और हमें देखना है कि कौन सा लेटर उसमें फिट आएगा। क्या जे आ सकता है?
है की। इसमें से कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या पी मिसिंग है? नहीं, कैप नहीं। क्या ओ मिसिंग है? नहीं, ये भी नहीं। क्या वाई मिसिंग है? हाँ, यही तो है। K-E-Y, की यानी चाबी। वाव वाव, ये है एक डॉग। डॉग के लिए सबसे पहला लेटर कौन सा होगा? क्या K होगा? कॉग? नहीं, D? हाँ, D-O-G, यानी कि डॉग। डॉग इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है। म्याऊ, कैट यानी बिल्ली। कैट T आएगा? क्या ये मिसिंग लेटर है? अरे हाँ, C-A-T, कैट। चलो, अब देखते हैं कि आगे क्या है। पीप पीप, ये तो कार है। कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या I मिसिंग है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्या C मिसिंग है? अरे हाँ, C मिसिंग है। C-A-R, कार, यानी कि गाड़ी। ये तो जैम है, यम यम यम। इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या X है? जैक्स? नहीं। H मिसिंग है? जैक? नहीं। क्या M मिसिंग है? हाँ, J-A-M, जैक। ये तो सन है, यानी कि सूरज। कौन सा लेटर मिसिंग है? Z? नहीं, ये तो नहीं। क्या U हो सकता है? S-U-N, सन यानी कि सूरज। अब ये मेरी स्कूल बस आ गई। इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या S है? हाँ, B-U-S, बस। हमने सारे लेटर्स ढूंढ लिए। क्या बात है दोस्तों? अगली बार फिर मिलूंगा। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज हम काउंटिंग सीखने वाले हैं, तो तुम सब तैयार हो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज करेंगे गिनती लर्न। सबकी बारी आएगी, लेकिन पहली है मेरी टर्न। अरे वाह, इतनी जल्दी सारी फोटोज भी आ गई। कितनी सारी चीजें हैं ना इसमें। इसमें बनानास यानी केले हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो चलो सबसे पहले इन्हें गिन लेते हैं। चलो शुरू करें दोस्तों। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पांच यानी फाइव। तो हमारे पास हुए 5 केले यानी कि बनानास। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। अब अगली चीज कौन सी है? कार्स। चलो कार्स को गिनते हैं। चलो काउंटिंग शुरू करें दोस्तों। एक यानी वन कार। अरे ये कार नहीं है, ये तो पेंसिल है। दो यानी टू कार्स। तीन यानी थ्री कार्स। हमारे पास है 3 कार्स यानी कि गाड़ियाँ। हमने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया। चलो इन्हें बास्केट में डाल देते हैं। अब अगली चीज कौन सी हो सकती है? हाँ, पेंसिल। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पांच यानी फाइव और 6 यानी 6। हमारे पास है 6 पेंसिल। ये बहुत बढ़िया। इससे मैं लिखूंगा भी और ड्राइंग भी करूंगा। तो अब हमारी बारी है गिफ्ट्स को गिनने की। कितने दिखाई दे रहे हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास 4 गिफ्ट्स हैं, जो मैं अपने 4 दोस्तों को दूंगा। रख दिए बास्केट में। अब गिनना है कि हमारे पास कितने कैंडीज हैं। चलो, 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5, 6 यानी 6, 7 यानी 7 और 8 यानी 8। हमारे पास 8 लॉलीपॉप्स यानी कैंडीज हैं। यमी यमी। चलो अब हम एक और राउंड खेलते हैं, क्योंकि आप सबको बहुत मजा आया मैं जानता हूँ। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। ओह, कितनी बटरफ्लाईज है यहाँ। गिनो गिनो।
एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स। हमारे पास छह सुंदर सुंदर येलो बटरफ्लाईज हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ कितने कप्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री। अरे वाह, आप तो जल्दी जल्दी करने लगे। क्या बात है दोस्तों, जल्दी सीख रहे हो। चलो अब अगली चीज गिनते हैं, जो है बॉल्स। ये वाली बॉल बास्केटबॉल है। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट। हमारे पास आठ बास्केटबॉल्स हैं। ये हम इतनी सारी बॉल्स का करेंगे क्या? चलो अब क्रेयॉन्स को गिनते हैं। शुरू करो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट, नौ यानी नाइन, दस यानी टेन। वाओ, हमारे पास दस क्रेयॉन्स हैं। इससे मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स एक साथ कलरिंग करेंगे। अब हमें गिनने हैं कि कितने बटन्स हैं यहाँ पर। एक यानी वन, दो यानी टू। अरे ये तो सिर्फ दो ही है। हमने सारी चीजें गिन ली। ये चलो दोस्तों, एक और लास्ट राउंड हो जाए। देखो देखो, चीजें आ गई। सबसे पहली चीज है गाइड्स। तो यहाँ पर कितनी गाइड्स हैं? रेडी। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गाइड्स हैं। ये क्या बात है, इसको बास्केट में डाल दिया। अब यहाँ पर कितने कपकेक्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी क्या, थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार कपकेक्स हैं। ये ओके, तो हमारे पास यहाँ कितनी कीज हैं? देखो देखो, एक यानी वन, दो यानी टू, ओहो सिर्फ दो ही चाबियां हैं, यानी कि कीज। वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो दोस्तों। अब गिनो कि यहाँ पर कितनी हैट्स हैं? हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक यानी वन हैट है। ये केंट की हैट है। ये अब चलो गिनते हैं यहाँ पर कितने टमेटोज यानी टमाटर हैं। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव। हमारे पास है पाँच रसीले टमाटर। इसे मम्मी सूप बनाती हैं। ये आज तो बहुत मजा आया, हमने काउंटिंग सीखी और गेम भी खेला। क्या बात है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकु सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। मैं मम्मा पापा के साथ पिकनिक पर आया हूँ। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, वो भी मेरी तरह क्यूट हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ भी है। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। पर है ये मुसीबत, बड़ी अतरंग, ये बच्चे नहीं है मम्मी के संग। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हैन यानी मुर्गी है, गोट यानी बकरी है, काउ यानी गाय भी है, घोड़ा यानी हॉर्स है और डक यानी बतख भी है। ये सब तो ठीक है, पर गड़बड़ कहाँ है? अरे हाँ, ये सारे बेबीज अपनी मम्मा के साथ नहीं है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इन्हें अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। चलो शुरू करें। यहाँ है बच्चे और ये है हैन यानी मुर्गी। क्या मुर्गी के बेबी को फोल कहते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये नहीं हो सकता। तो फिर शायद डकलिंग होगी। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मैच कर ही नहीं रही। तो फिर कैन का बेबी ये किड होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो इनसे बहुत बड़ा है। चलो इसे वापस डाल देते हैं। काफ, अरे नहीं, ये भी इनसे बहुत बड़ी है, ये भी इनकी बेबी नहीं हो सकती। अब सिर्फ बची है ये चीक। अरे हाँ, है
हेन और चिकन। क्लॉक क्लॉक ट्वीट ट्वीट। इन्हें अपनी बेबी मिल गई और ये लोग कितने खुश हैं। चलो अब देखते हैं कि हॉर्स यानी घोड़े का बेबी कौन हो सकता है। क्या किड है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर शायद ये चिकन होगा। नहीं, ये तो बहुत ही छोटू है मेरी तरह। अब कौन सा वाला ट्राई करें? अरे हाँ, फूल। अरे हाँ, हॉर्स के बेबी को तो फूल कहते हैं। हॉर्स और फूल। ये। तो बताओ काऊ यानी गाय के बेबी को क्या कहते हैं? एक फूल तो नहीं कहते, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि एक घोड़े के बेबी को कहते हैं, तो फूल तो नहीं हो सकता। क्या ये किड हो सकता है? इनकी आवाज तो मिल ही नहीं रही। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, रंग भी अलग है। क्या डकलिंग हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, ये तो बहुत छोटी है। मुझे लगता है इनका बेबी होगा काफ। ये काओ की बेबी को काफ कहते हैं। काओ और काफ, मो। अब बताओ कि गोट यानी बकरियों के बेबी को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं? मो। नहीं नहीं, तो शायद किड होगा। हाँ, सही पहचाना, गोट के बेबी को किड कहते हैं। जैसे हम इंसानों के बेबीज को भी किड कहते हैं, वैसे ही। चलो चलो, अब बताओ कि डक यानी बतख के बेबी को क्या कहते हैं? काफ तो नहीं हो सकता। अरे, ये तो काव का बेबी होता है ना, अभी तो पता लगाया था। तो क्या चिकन हो सकता है? नहीं, इसकी मम्मी तो हेन होती है ना। हाँ, इसे भी वापस रख देते हैं। हाँ, डकलिंग। डक की बेबी को डकलिंग कहते हैं। कितने खुश है दोनों। क्वैक क्वैक। अब मैं भी अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। और पता है एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, काफ कहते हैं। मैं काफ हूँ। आज हमने सारे मम्मी एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम सीखे हैं। तुम लोग घर पे इसे रिवाइज करना। अगली बार फिर मिलूंगा। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज का दिन कितना अच्छा है ना? आज मैं केक बनाने वाला हूँ। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। बेकिंग की क्लास मैंने की है अटेंड। शेयरिंग से दोस्त ना होंगे ऑफेंड। ये बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है? बेकिंग हो गई। ये इसे और भी मजेदार बनाने के लिए इस पर थोड़ी सी चॉकलेट आइसिंग लगा देता हूँ। यम्मी। आ जाओ लुक, मैं केक बना रहा हूँ। देखो देखो, ये होने वाला है। और हो गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो चले। क्या हमें भी खाने को मिलेगा? हाँ, सबको मिलेगा। मुझे थोड़ा केक चाहिए। मुझे भी थोड़ा चाहिए। केक तो मुझे भी चाहिए। दोस्तों, हमें चीजें शेयर करनी चाहिए, तो चलो इसे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। पर इसे काटो कैसे कि सबको बराबर मिले? हम चार लोग हैं ना, तो इसे चार हिस्सों में काट लेता हूँ। एक टुकड़ा मोमो को, एक लूक के लिए, एक टीम के लिए, और ये आखिरी वाला होगा मेरे लिए। अब हम सबको बराबर हिस्सों में केक मिल गया है। और याद रखना दोस्तों, शेयर करने से प्यार बढ़ता है, और शेयरिंग इज केयरिंग। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंट। आज बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। हमेशा रहता हूँ मस्त मगन, चीजें ढूंढूंगा दोस्तों के संग। चलो ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला वाला है फाइंड द एप्पल यानी सेब को ढूंढना। लाल लाल सेब, खा जाऊं क्या? नहीं, पहले ढूंढ लेता हूँ। चलो तीन दो एक। चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी सेब को ढूंढो। जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है। लाल लाल सेब, लाल लाल एप्पल, रेड रेड एप्पल, मिला क्या? वो रहा बेंच के ऊपर। अब जाओ खा लो। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब है फाइंड माय कार यानी गाड़ी। वाओ, लाल लाल गाड़ी। बताओ कहाँ छुपी हुई है प्यारी सी गाड़ी? तीन दो एक। जल्दी जल्दी ढूंढना, टाइम निकल रहा है। कहाँ है, कहाँ है? क्या वो चेयर पे है? नहीं। क्या वो पेंटिंग के पास है? नहीं। क्या मिली? वो रही शेल्फ पर। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों। तुम
हमें रेड कार मिल गई। अब है फाइंड माय सॉकर बॉल यानी कि फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल से खेलते हो दोस्तों? मैं भी खेलता हूँ। चलो अब इसे ढूंढो। 3, 2, 1 जल्दी करना, टाइम बहुत कम है। जल्दी, क्या वो लैंप के पास है? नहीं। क्या वो बेड के ऊपर है? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रही। कहाँ है बॉल? वो रही, आधी छुपी हुई थी। क्या तुमने ढूंढा? बहुत बढ़िया, मैंने तो ढूंढ लिया। अब है फाइंड द स्नोमैन। तू बताओ दोस्तों, स्नोमैन कहाँ पर होगा? 3, 2, 1 शुरू हो जाओ। कैट की ड्राइंग दिख रही है, डॉगी भी है, मिक्की माउस, फ्लावर और एप्पल और सनसेट और अरे हाँ, एकदम नीचे कोने में छुपा हुआ था शैतान स्नोमैन। मिला ना आपको? अब हमें ढूंढना है बनाना यानी केला। फाइंड अ बनाना। बनाना कहाँ है जरा बताना। चलो अब टाइम शुरू होने वाला है। 3, 2, 1 गो। क्या वो टेबल पर कहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा। सैलेड की बोल के पास भी नहीं है। हाँ, कहाँ होगा? वो रहा, अकेला अकेला मिक्सर के पास। ये आपने ढूंढ निकाला। चीजें ढूंढने में तो बहुत मजा आया दोस्तों, और हमने काफी कुछ सीखा भी। बहुत मजा आया। तो आप लोग इस केंट को देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। मैं हूँ केंट द एलिफेंट, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका केंट। ओह, अरे ये क्या, केंट का रूम तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम खेलेंगे दोस्तों, ठीक है? मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज करनी है क्लीनिंग माय फ्रेंड और सीखेंगे एडिशन टिल द एंड। हमें रूम में बिखरे हुए सारे खिलौने उठाने हैं और उन्हें अपनी जगह पर रखना है। तो चलो शुरू करें। ये रही मेरी सॉकर बॉल यानी कि फुटबॉल, और ये रही मेरी 2 बास्केटबॉल्स। अब देखना पड़ेगा कि मेरे कबर्ड में कितनी बॉल फिट हो पाएंगी। चलो कोशिश करके देखते हैं। तो सामने कितनी बॉल नजर आ रही है? क्या गिनती करने में मदद करोगे? तो चलो, 1 सॉकर बॉल यानी फुटबॉल और 2 बास्केटबॉल। 1 + 2 होता है 1, 2, 3। हाँ, सही कहा, 1 + 2 होता है 3। वाह, क्या बात है, हमने एडिशन सीखा। अब इन्हें शेल्फ में रख दिया। मेरी कार, मेरे पास 2 लाल कार है और 2 पीली कार्स। जब लू का टेम आते हैं तो वो इन गाड़ियों को लेकर झगड़ते ही रहते हैं। मेरे पास है 2 रेड कार और 2 येलो कार। तो मेरे पास कितनी कार्स हुई बताओ? 1, 2, 3 और 4। 2 + 2 होते हैं 4। क्या बात है, हमने गिनती सीखी। रूम रूम, चलो गाड़ी में। अब इसे रख दिया शेल्फ में। अब बुक्स की गिनती करेंगे। देखते हैं मेरे पास कितनी बुक्स हैं। मेरे पास हैं 3 गुलाबी बुक्स और 3 नीली बुक्स। तो हुई कितनी बुक्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 3 और 3 होते हैं 6। क्या बात है दोस्तों, हमने गिनती कर ली। अब इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। रख दी। अब मैं करूँगा फ्लोर की सफाई। क्या और कुछ करना बाकी है? अरे हाँ, ये सारे क्रेयॉन्स गिनने बाकी हैं। ओह, मेरे पास हरे क्रेयॉन है और नीले। चलो अब इनकी गिनती करते हैं। 4 + 4 हुए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 4 + 4 होता है 8। मेरे पास है 8 क्रेयॉन। अब चलो इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। और टिंग 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 रख दिया। सफाई में मदद करने के लिए थैंक यू। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका दोस्त केंडी एलिफेंट। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बाजार गया था ना, पर एक प्रॉब्लम है, फल और सब्जियाँ मिक्स हो गयी। मेरा नाम है केंट,
खरगोश एलिफेंट सब्जियां और फल हो गए हैं मिक्स। मेरी अब प्रॉब्लम कर दो ना तुम फिक्स। क्या कहा, ये मुश्किल नहीं है? ठीक है तो हम सब मिलके सॉल्व करते हैं। ये है दो टोकरियां फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। एप्पल यानी सेब को किस में डालूं? हाँ ये तो फ्रूट है तो फ्रूट के बास्केट में गया। और ये कैरेट यानी गाजर की कहाँ जाएगी? हाँ ये तो वेजिटेबल है ना, डाल दिया वेजिटेबल की टोकरी में। और ये है ऑरेंज यानी संतरा। ऑरेंज तो फ्रूट है, पता है ना दोस्तों, तुम सब तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब है एग प्लांट यानी कि बैंगन। इसे मैं डाल देता हूँ वेजिटेबल की टोकरी में। हाँ क्योंकि ये वेजिटेबल ही है। ये है ब्रोकली। ब्रोकली किस में डालूं? हाँ वेजिटेबल में, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये है स्ट्रॉबेरी, मेरी फेवरेट, और इसे मैं डालूंगा फ्रूट के बास्केट में। और ये क्या है? ये स्पिनच है यानी पालक, और इसे हम डालेंगे वेजिटेबल की टोकरी में। बहुत बढ़िया दोस्तों। और ये है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये भी एक वेजिटेबल ही होता है, डाल दिया। और ये क्या है? ये है ग्रेप्स, और इन्हें मैं डालूंगा फ्रूट बास्केट में। ये क्या होता है? ये है बनाना, ये भी एक फ्रूट होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। और ये है जुकीनी, ये होती है वेजिटेबल। और ये क्या है? ये है वाटरमेलन यानी तरबूज, इसे किस में डालूं? ये फ्रूट है। वाह, हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग कर लिए दोस्तों, तुम सबने मेरी बहुत मदद की। फ्रूट बास्केट में है हमारे पास एप्पल यानी सेब, केला यानी बनाना, वाटरमेलन यानी तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स यानी अंगूर, और ऑरेंज यानी संतरा। वेजिटेबल बास्केट में हमारे पास है ब्रोकली, कैरेट यानी गाजर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, स्पिनच यानी पालक, एग प्लांट यानी बैंगन, और जुकीनी। हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग कर लिए। और याद रखना कि ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हम हेल्दी रहेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, तो चलो शुरू करते हैं। हमें इस गेम में फार्म पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका नाम पजल में ढूंढना है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वर्ड फार्म पजल, ये तो बहुत आसान है, मैं तो चुटकियों में ढूंढ लूंगा। सबसे पहले काओ, तो चलो हम ढूंढते हैं लेटर्स सी ओ डब्ल्यू। सी, सी कहाँ है? हाँ मिल गया। अब मैं ढूंढता हूँ दूसरा लेटर ओ। हमें सी के अगल बगल ही देखना है ओ लेटर, क्या आपको कहीं दिखाई दिया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो रहा ओ, मिल गया ओ, और वो रहा डब्ल्यू, सी ओ डब्ल्यू, काओ यानी गाय। ये चलो अब देखते हैं अगला एनिमल कौन सा है। ओह आपको क्या लगता है कौन सा एनिमल होगा? अरे ये तो डक है, इसकी स्पेलिंग है डी यू सी के, डक। क्या कहीं डी दिखाई दे रहा है? डी डी डी, वो रहा डी। अब अगला हमें ढूंढना है यू, क्या डी के आसपास यू दिख रहा है? दिखा दिखा दिखा, हाँ वो रहा उसके नीचे, मिल गया डी और यू। इसके बाद हमें ढूंढना है सी, यू के नीचे मिल गया सी, और उसके नीचे के भी मिल गया। हमारा दूसरा एनिमल मिल गया डी यू सी के, डक। वुहू, क्वाक क्वाक। अब अगला जानवर कौन सा होगा? चिकन। ओ ये तो बहुत लंबी स्पेलिंग है, हमें शुरू करना है सी ढूंढने से। चलो सी ढूंढते हैं, कहाँ है सी? सी 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 सी, दो सी है। हाँ चिकन में दो सी होते हैं, पर अब हमें एच ढूंढना है। एच एच कहाँ होगा? एच एच सी के बगल में, हाँ वो रहा ऊपर, और उसके बाद है आई, फिर सी, फिर के,
ई और एन। हमें मिल गया चिकन। ये चलो अब अगले पजल की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा ओ हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स। सबसे पहले हमें ढूंढना है एच। एच मिला, कहाँ है एच? हाँ वो रहा। ये फिर मिल गया ओ और उसी के बगल में आर, फिर एस और उसके बगल में ई। एच ओ आर एस ई हॉर्स हमें मिल गया। हम तो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब ये आखिरी वाला है, ये है गुड। जी ओ ए टी। कहीं जी दिखाई दे रहा है? जी हाँ वो रहा। उसके बाद हमें ढूंढना है ओ। ओ कहाँ है? ओ ओ ओ ओ हाँ जी के नीचे ओ। और उसके बाद मिल गया ए और टी। ये जी ओ ए टी गुड मिल गया। केंट ने सारे पजल सॉल्व कर दिए और अब मैं सबके साथ में डांस कर रहा हूँ। आज बड़ा मजा आया। सीखने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? स्पेलिंग्स रिवाइज करते रहना। मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं केंट, प्यारा सा छुटकू सा एलिफेंट। क्योंकि मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैं तोड़ूंगा कुछ फल डिफरेंट। ये है फलों का गार्डन, इसका नाम है सेंट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा फल पेड़ पे आने वाला है। अरे ये क्या हो सकता है? चलो इसमें से देखकर ढूंढते हैं कि ये कौन सा फल हो सकता है। क्या ये बनाना यानी केला हो सकता है? लगा कर देखते हैं। नहीं ये तो नहीं लग रहा। तो फिर ये वाटरमेलन यानी तरबूज होगा। नहीं ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो शायद एप्पल यानी सेब होगा। हाँ ये एप्पल यानी सेब है और ये लग गया। अब मैं अपनी इस टमटम गाड़ी में सारे सेब तोड़कर रख लूंगा। चल मेरी टमटम, चल 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 मेरी टमटम, चल चल चल। अब आगे चल के देखता हूँ कौन सा पेड़ आएगा। अरे ये क्या, फटाक से दूसरा पेड़ भी आ गया। चलो एक बार सारे फल मिलाकर देख लेते हैं। तो चलो इसमें सबसे पहले संतरा लगाते हैं, यानी कि ऑरेंज। नहीं ये तो नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है कौन सा लगाकर देखो? वाटरमेलन यानी तरबूज लगाओ। नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा। शायद थोड़ा सा लंबा फ्रूट है ये। नहीं ग्रेप्स यानी अंगूर भी नहीं लगेंगे। शायद ये बनाना यानी केला हो सकता है। हाँ ये बनाना यानी केला ही है और इसमें ढेर सारे लगे हुए हैं। अरे वाह मजा आ गया। मैं सारे तोड़कर अपनी टमटम गाड़ी में रख लेता हूँ। टिम मंकी है ना, उसे ये बहुत पसंद है। चल मेरी टमटम, चल चल चल। अरे ये तो जमीन पर है, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। ओ ये तो सिर्फ बेले हैं, वो भी जमीन पर। चलो लगा कर देखते हैं, क्या ये एप्पल हो सकता है? नहीं ये तो बहुत छोटा लग रहा है। शायद ये बनाना यानी केला हो सकता है। नहीं ये भी बहुत छोटा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा। वाटरमेलन यानी तरबूज लगा कर देखता हूँ। अरे वाह ये तो फिट बैठ गया। ये हमने ये भी कर दिखाया। अब इसे अपनी टमटम गाड़ी में रख के ले जाता हूँ घर। ये आज मैं जूस पीऊंगा। चल मेरी टमटम, चल चल चल। अब पता नहीं किस चीज का पेड़ आने वाला है। ये भी सेब के जैसे ही है। इस पर कौन से फल लगते होंगे? समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको, सबसे पहला कौन सा लगा कर देखूं? क्या मैं एप्पल यानी सेब लगा कर देखूं? अरे नहीं हमने सेब तो लगा लिया है। तो फिर क्या ये संतरा यानी ऑरेंज का पेड़ होगा? लगा कर देखता हूँ। अरे हाँ ये तो ऑरेंज का ही पेड़ है। आ गई मेरी टमटम गाड़ी, आ गई मेरी टमटम गाड़ी। चलो मैं संतरे भर लेता हूँ। और भर लिए। चल मेरी टमटम, चल चल चल। चल मेरी टमटम, चल चल चल। अरे ये भी बेल नहीं है, ये भी बेल है। इस पर क्या लगते होंगे? समझ नहीं आ रहा। चलो सारे लगा कर देखते हैं।
वाटरमेलन यानी तरबूज का पेड़ होगा। अरे नहीं, वाटरमेलन तो जमीन पर उगता है। इसका पेड़ तो हमने ढूंढ लिया है। क्या ये संतरे का पेड़ हो सकता है? अरे नहीं, ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है इसके सामने। ये भी नहीं है। कौन सा हो सकता है? ग्रेप्स लगा कर देखो। अरे वाह, ये तो ग्रेप्स यानी अंगूर की ही बेल है। ये चल मेरी टमटम, चल 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 मेरी टमटम, चल चल चल। अब मैं अंगूर यानी ग्रेप्स भर लेता हूँ। चलो चलो टमटम गाड़ी, चलो चलो टमटम गाड़ी। क्या बात है दोस्तों, हमने फल और पेड़ मैच कर लिए। हमने सेब ढूंढा, केला ढूंढा, अंगूर ढूंढे और हाँ, हमने संतरा भी ढूंढा और तरबूज भी। अब मैं घर जाऊंगा और इन सब को काट कर एक यम्मी सा फ्रूट सैलड बनाऊंगा। बाय दोस्तों, फिर मिलूंगा। और आज मैं आपको घर के बारे में कुछ सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। हम नहीं देते घर का रेंट, पापा ने खरीदा है नया घर रीसेंट। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने घर का स्केच बना लिया। अब हम एक एक करके इसकी चीजें बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? हाँ, पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं। और ये लग गया। उसके बाद हम दीवारें सेट करेंगे और फिर इसे पेंट भी करेंगे। मुझे येलो यानी पीला रंग बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है ना? अब रूफ यानी छत लगा देता हूँ और इसे भी पेंट कर दूंगा रेड यानी लाल रंग से। घर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? चलो अब बताओ कि हम किस चीज से घर के अंदर जाते हैं? हाँ, डोर यानी दरवाजा। डोर को भी पेंट कर देता हूँ। अब सामने दो विंडोज लगा देते हैं यानी कि खिड़कियाँ, ताकि हवा और धूप अंदर बाहर आ जा सके। अब क्या लगा सकते हैं? हाँ, सीढ़ियाँ लगा देता हूँ, ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद चिमनी लगा देता हूँ। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा घर। इसके बाद मैं क्या लगा सकता हूँ? हाँ, पौधे लगा देता हूँ ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल पाए, है ना दोस्तों? और उसके बाद पेड़ भी लगा देता हूँ। वाओ, मेरा घर कंप्लीट हो गया और कितना सुंदर लग रहा है ना? चलो अब मैं घर जाता हूँ। बाय बाय, सी यू। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज का गेम है फाइंड द डिफरेंस। तो चलो हम सब खेलते हैं फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं। क्या आप सब बता सकते हो कि इन दोनों वीडियोस में फर्क क्या है? बताओ बताओ। हाँ, ये तो मेरा और लुक का वीडियो है। दोनों में ही मैं माउथ ऑर्गन बजा रहा हूँ, लेकिन फर्क क्या है पता चला? टाइम खत्म। अब मैं बताता हूँ, जो राइट साइड वाला वीडियो है उसमें वो छुटकू सी बर्ड मिसिंग है। हाँ, यही फर्क था दोनों वीडियोस में। अब चलो दूसरी वीडियो की बारी है, इसमें भी कोई फर्क होगा, आप बता सकते हो क्या? लुक तो मुझे दोनों में ही नजर आ रहा है। चलो अब तितलियां गिन लेते हैं। लेफ्ट वाली में है 1, 2, 3, 4 और राइट, अरे टाइम खत्म हो गया। क्या आपको पता लग गया कि इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा, राइट वाली में एक तितली मिसिंग है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो में केंट फिर से आ गया, आपका छुटकू सा एलिफेंट। चलो चलो टाइम शुरू हो गया है, फर्क ढूंढो। क्या है फर्क? मैं तो दोनों में डांस कर रहा हूँ। क्या पता लगा आपको? मुझे तो पता लग गया। और टाइम खत्म। बिल्कुल सही कहा, राइट वाली में मेरी एक फोटो मिसिंग है। अब चलो दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका पता लग पाता है या नहीं। इसमें लूक और मैं ड्राइंग बना रहे हैं और टाइम शुरू हो गया। जल्दी जल्दी ढूंढो क्या फर्क हो सकता है। क्या तारे जो मैं बना रहा हूँ वो कम है? नहीं, अरे टाइम तो खत्म हो गया। मुझे तो पता लग गया है, राइट वाली में 2 क्रेयॉन्स मिसिंग है। क्या आपको पता लगा था? चलो अब अगले वीडियो की ओर। वाओ, इस वीडियो में मैं, लुक और टिम, हम तीनों हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने वाला है, फर्क ढूंढो। तो पता लगा कि क्या फर्क है? जल्दी जल्दी बताओ, मुझे तो पता है। हाँ, राइट वाली में तो टिम के पास आइसक्रीम है ही नहीं। वो तो
ऐसे अपना हाथ चाट रहा था। क्या आपने सारे फर्क ढूंढे दोस्तों? मुझे तो बहुत मजा आया ये गेम खेलकर। आपको भी आया होगा ना? फिर से मिलूंगा, बाय। हाय दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त केंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुले का एलिफेंट। आज की सीख भूलेंगे नहीं कल। हम सॉल्व करेंगे जिग्सॉ पजल। ओह, ये तो गांव वाला पजल है। अरे वाह, इतने सारे पीसेस हैं। पहले किनारे वाला लगाता हूँ ताकि पजल सॉल्व करना आसान हो जाए। उसके बाद इसका पेटू लगाऊंगा और उसके बाद फिर से आसमान। अरे ऐसे नहीं लगेगा, हाँ ऐसे। अब जमीन का टुकड़ा, ये हमने कोने के चारों पीसेस लगा दिए। अब चलो मुंह वाला पीस लगाते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और अब लगाएंगे पैरों वाला हिस्सा। ये बस पूरा होने वाला है दोस्तों। अब ये वाली फेंस, अरे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। फेंस का एक टुकड़ा लगाते ही वो वाली रो पूरी हो गई। ये देखो, एक और हो गया और फेंस का एक और टुकड़ा। अब सिर्फ बचे हैं चार। आसमान का एक और टुकड़ा लगा दिया और अब गाँव की पूंछ भी लगा दी। अब सिर्फ दो बचे हैं, ये रहा एक पैर और ये हो गया। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या आप जानते हैं काव क्या आवाज निकालती है? हाँ सही कहा। अब दूसरे पजल की बारी। ये है मुर्गी और उसका चूजा, यानी मम्मी और बेबी। तो सबसे पहला कौन सा उठाऊं? हाँ, कोने वाला आसमान वाला पीस, उसके बाद घास वाला पीस और उसके बाद लगाऊंगा तीसरा कोने वाला पीस और फिर बताओ, हाँ चौथा कोने वाला पीस, उसके बाद मुर्गी का मुंह। अरे नहीं, हाँ ऐसे। फेंस का पीस लगा देता हूँ, उसके बाद ये आसमान वाला पीस। तुम तो सीख रहे हो। उसके बाद कौन सा लगाना है? अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। बहुत बढ़िया दोस्तों। अरे वाह, एक और फेंस का पीस लगा दिया। आसमान बस पूरा होने वाला है दोस्तों। और ये लगा दिया बेबी वाला पीस। अरे वाह, अब हम लगाएंगे मम्मी हेन वाला पीस। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और ये लगाया बेबी की आंख वाला पीस। अब दो ही बचे हैं, मम्मा हेन की आंख वाला पीस और पैरों वाला पीस। और हो गया, बहुत बढ़िया दोस्तों, ये वाला तो जल्दी हो गया। बेबी चिक आवाज निकालती है, ट्वीट 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 ट्वीट। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ओह, अब घोड़े वाला पजल। कितना प्यारा लग रहा है ना। बताओ पहले कौन सा लगाऊं? हाँ, कोने वाला पीस। सीख रहे हो दोस्तों। और दूसरे कोने वाला पीस लगा दिया। अब तीसरा पीस भी लगा दिया और चौथा। इससे पजल सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब लगाते हैं मुंह वाला पीस। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब रस्सी वाला पीस। अब लगाएंगे हॉर्स के पैरों वाला पीस। बहुत बढ़िया। अब ये कान, नहीं ऐसे नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। अब लगाएंगे घोड़े के सैडल वाला पीस और अब ये साइड वाला पीस। बस होने वाला है, हाँ ऐसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। चलो अब लगाते हैं ऊपर वाला पीस। अरे नहीं, ऐसे नहीं दोस्तों, अब बचे हैं सिर्फ तीन। नीचे वाला हो गया और ये है पूंछ वाला पीस और आखिरी वाला है। बहुत बढ़िया दोस्तों, हाँ और पजल पूरा हो गया। तो बताओ हॉर्स कौन सी आवाज निकालता है? हाँ, हॉर्स करके बात करता है। ओ, अब आ गया छुटकू सब पिगी वाला पजल। बहुत सारे पीसेस है ना। चलो अब शुरू करते हैं कोने वाले पीस से। अब दूसरी साइड के कोने वाले पीस को लगा दिया और अब आसमान वाला पीस और कोने वाले चारों पीसेस लगा दिए। अब कौन सा? मुंह वाला। अरे नहीं दोस्तों, हाँ लगा दिया। अब नीचे वाला पीस और ये फेंस वाला पीस, ना हाँ लगा दिया। अब फेंस वाला पीस और ये भी लग गया। तुम तो बहुत जल्दी कर रहे हो दोस्तों, हाँ बहुत बढ़िया। और अब हम लगाएंगे फेंस का आखिरी पीस और हो गया। और ये बीच वाला पीस लगा के रो कंप्लीट हो गई। अब आंख वाला पीस, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब पिगी का हाथ वाला पीस, बहुत बढ़िया।
अब सिर्फ दो ही बचे हैं। दूसरा हाथ वाला पीस भी लगा दिया और आखिरी है पिगी का पेटू। हाँ, बहुत बढ़िया, तुमने तो सॉल्व कर दिया दोस्तों। पिगी आवाज निकालते हैं, ओंक 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 ओंक। देखो कितने सारे हैं, है ना, प्यारे लग रहे हैं। चलो आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त केंट। तो आज हम नंबर्स याद करेंगे 1 से 10 तक। ये गिनती सीखने में बड़ा मजा आएगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। ममा ने की है शॉपिंग लिस्ट सेंड, ताकि याद हो नंबर 1 to 10। ये हरे, अरे क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे हम सामान खरीदते हुए नंबर सीखेंगे। चलो, मैं सुपरमार्केट आ गया और मैंने ट्रॉली भी ले ली। अब मैं लिस्ट निकाल के देखूंगा कि पहली चीज कौन सी लेनी है। पहले लेना है दूध का एक डब्बा और ये डाला ट्रॉली में। लिस्ट की पहली चीज हो गई, टिक मार्क कर दिया। अब अगली है 2 एप्पल्स यानी सेब। तो चलो एप्पल्स ले लेते हैं। कितने प्यारे एप्पल्स है ना। ये रहा 1 एप्पल और दूसरा एप्पल भी डाल दिया। दूसरी चीज भी टिक हो गई। अब लेने हैं 3 पैकेट क्रैकर्स के। तो चलो दोस्तों, जाके क्रैकर्स ढूंढते हैं। अरे वो देखो, वो रहा। ये रहा 1 पैकेट, 2 पैकेट और 3 पैकेट ले लिए। और ये भी टिक हो गया। अब लेने हैं 4 जार जैम के। या, मुझे जैम बहुत पसंद है। 1, 2, 3 और 4, ये भी टिक मार्क हो गया। उसके बाद हमें लेने हैं 5 पैकेट कुकीज के। मुझे कुकीज बहुत पसंद है, मैं उन्हें दूध के साथ खाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, सारे कुकीज के पैकेट्स ले लिए। अब अगला कौन सा है? लिस्ट की अगली चीज है 6 गाजर लेना, यानी कि कैरेट। कैरेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो दोस्तों, मेरे साथ गिनती करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैरेट भी ले लिए और टिक मार्क भी कर दिया। उसके बाद हमें लेनी है 7 ब्रोकली। ब्रोकली को मैं गरम गरम सूप में डालकर खाता हूँ। गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गया। अगली चीज है 8 टमेटोज, मतलब टमाटर। तो चलो गिनती करो। ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आज मैं जाकर टमाटर का सूप पीऊंगा। और ये टिक मार्क हो गया। अब हमें लेने हैं 9 बनानास यानी केले। ओ, मुझे बनाना बहुत पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? चलो गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बहुत बढ़िया, टिक मार्क कर लिया। अब आखिरी चीज है 10 मफिन्स, यम यम। और मैंने ट्रॉली में डाल दिया 1 पैकेट जिसमें है 10 मफिन्स। और आखिरी चीज भी टिक हो गई। क्या बात है दोस्तों, हमने हंसते खेलते और बहुत कुछ सीखते हुए लिस्ट की सारी चीजें ले ली। 1 पैकेट दूध का, 2 सेब, 3 पैकेट क्रैकर्स के, 4 जैम के डिब्बे, 5 कुकी के पैकेट, उसके बाद 6 गाजर यानी कैरेट, उसके बाद 7 ब्रोकली, फिर 1 टमेटोज यानी टमाटर, उसके बाद 9 केले यानी बनानास, और आखिर में 10 मफिन्स। वाओ, हमने तो ये चुटकियों में कर लिया, है ना दोस्तों? और गिनती भी सीख ली, क्या बात है। चलो रिवाइज करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोग तो सीख गए। थैंक यू दोस्तों मेरी शॉपिंग करने में मदद करने के लिए और मेरे साथ गिनती करने के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। बाय दोस्तों, मैं फिर से आऊँगा, आपका दोस्त केंटी एलिफेंट। तब तक
तक के लिए नंबर्स के रिवीजन करते रहिए। हाँ, बहुत गर्मी है, कैसे खेलेंगे? केंट और मंडे क्या कर रहे होंगे? उन्होंने तो खेलना भी शुरू कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि हम खेल पाएंगे। क्या हुआ केंट? वो देखो कितनी गर्मी है, टीनू बीनू कैसे खेलेंगे? ये तो मुश्किल हो गई। पसीना आ रहा है। आइडिया, बस देखते जाओ और बीनू मेरी बात को दोहराना बंद करो। क्या है दिखाओ? ओह, ये तो पूल का नक्शा है। तो क्या हमें एक पूल बनाना चाहिए? वहाँ क्या बात है। तो चलो काम शुरू करते हैं। चलो अपनी हैट्स पहन लेना। बीनू तुम वहाँ से काम शुरू करो। ओके। तुम वहाँ से और मैं आप देखूँगा। पहले मंडे हमारे साथ नहीं खेलता था, हमेशा चुपचाप रहता था। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छिटकु सा एलिफेंट। आज का दिन है बहुत गर्म, खेलेंगे नहीं तो आएगी शर्म। तीनों बीनू ने दिया आइडिया कूल, कहा कि आज हम बनाएंगे पूल। काम में लग गए हम सब जन और पूल हो गया चुटकियों में डान। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छिटकु सा एलिफेंट। आज का दिन है बहुत गर्म, बारिश के बाद बजाएंगे ड्रम। तीनों बीनू ने दिया आइडिया कूल, कहा कि आज हम बनाएंगे पूल। काम में लग गए हम सब जन और पूल हो गया चुटकियों में डन। पूल में जाके हम करेंगे डाइव और उसके बाद एक दूसरे को देंगे हाई फाइव। खूब खेलो क्योंकि ये गर्मियों का महीना, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी जरूर पीना। ये चलो अब पानी में कूदते हैं। कूदो। वाह मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। अरे वाह टीनू तो हमारे लिए गेंदे लेकर आ रहा है। ये अब तो और भी मजा आएगा। अरे वाह, ये तो फ्लोट है, यूनिकॉर्न वाली फ्लोट। नहीं मुझे चाहिए, मुझे, मैं खेलूंगा इससे। ठीक है मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये हम तो मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करना भूलना मत दोस्तों। आपसे बाद में मिलेंगे। बाय बाय। देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।